मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब था एंडोथर्मल लेयर से अटैचमेंट होना ब्लास्टोसिस्टम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रेस्टुलेशन. मतलब अब ब्लास्टोसाइट जो था उसका कन्वर्ट होना ग्रेस्टुला. देखिए, ब्लास्टोसाइट कन्वर्ट होना है ग्रेस्टुला लावा में, मेनली थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है. दीज मूवमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉल्ड, ये सारा मूवमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जिसको हमने नाम दिया है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट. मेनली थ्री जो हम बात कर रहे हैं जर्म सेल्स की, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. वन बाय वन हम इन तीनों डर्म्स को हम पढ़ेंगे, लेयर्स को. फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म. डायग्राम देखिए, ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये वही ब्लास्टुला का नोब वाला पार्ट जिसको हमने कहा था एम्ब्रियोनल नोब. मेनली जो ये मोरुला के पास जो आपके एम्ब्रियोनल नोब के पास सेल्स हैं, धीरे धीरे ये क्या होने लगती है, एनलार्ज होने लगती है और धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगी, जिसकी वजह से अंदर की तरफ आप एंडोडर्म की लेयर बनते हुए देखोगे. और ये जो ब्लास्टोसेल है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस्ट्रोसोल में, सियोल में, और गट कैविटी की फॉर्मेशन करेगा. दूसरी तरफ जैसे जैसे एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी इस मिडिल लेयर पर, आप देखेंगे ये जो लेयर थी नोब की, ये फ्लैट होने लगेगी, स्ट्रेच होने लगेगी और एक कवरिंग करेगी जस्ट लाइक, और जल्दी डिवाइड होके क्यूबलाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सैक. और ये फर्दर किसमें मिल जाती है, ट्रोफोब्लास्ट में मिल जाएगी. इधर एंडोडर्म्स के अंदर चारों तरफ ये अपनी एक लेयर की फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम बोलेंगे एंडोडर्म. इस तरह से एंडोडर्म गट में कन्वर्ट हो जाएगी और फर्दर ये एंडोडर्म्स मेनली फेरिंग से लेकर कॉलन तक हमारी बॉडी के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे मतलब फॉर्म करता है. फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म. ब्लास्टोडर्मिक वेसल एनलार्ज, दिस वाली लेयर एनलार्ज डिटैच्ड बाय डीलेमिनेशन फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोनल लोब. क्यों डिटैच हो रही है, बिकॉज ऑफ ये वाली जो लेयर है एम्ब्रियोनल लेयर्स, ये क्या होने लगी है, डीलेमिनेट, धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगी है. ठीक है, बिकम फ्लैट डिवाइडेड इंक्रीज इन नंबर, इन्हीं की बात करें, धीरे धीरे डिवाइड इंक्रीज इन नंबर एंड फॉर्म इन साइड एंडोडर्म, और धीरे धीरे अंदर की तरफ एंडोडर्म की फॉर्मेशन भी कर रही है. एम्ब्रियो ट्यूबुलर एंड एनक्लोज अ होलो ट्यूब. धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर और होलो खाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है. प्रिमिटिव गट एंड आर्चेट्रॉन बाय एंडोडर्म. किसकी फॉर्मेशन हो गई अंदर की तरफ, धीरे धीरे आप देखेंगे एंडोडर्म के थ्रू ट्यूबुलर एंड एनक्लोज होलो ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है. ये देखिए, ठीक है, होलो ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है. एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म जो कि बाद में लेटर के एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक गट में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, योग सैक. ये देखिए, ये जो गट में कन्वर्ट हो रहा है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, योग सैक, जो कि ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है किसकी, इस एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है. दूसरी तरफ फैट ऑफ एंडोडर्म. मेनली एंडोडर्म का फंक्शन क्या है, एंडोडर्म इज द प्री डिटरमाइंड टू फॉर्म मिड गट और आर्चियोट्रॉन. मेनली एंडोडर्म जो है प्री डिटरमाइंड, धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती है मिड गट एंड आर्चियोट्रॉन, मतलब आर्च मतलब प्रिमिटिव एंड ट्रॉन मतलब गट, फॉर्म फैरिंग्स टू कॉलन, फैरिंग से लेकर कॉलन तक. ठीक है, मिडिल ईयर की फॉर्मेशन करता है. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड उनकी फॉर्मेशन करता है. टंग, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लीवर, पेनक्रियास, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो कि कॉलन से लेके पेनिस से लेके कॉलन तक हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं. आप देखिए उन सब ऑर्गन की फॉर्मेशन किसने की है, इस एंडोडर्म ने की है, जो कि फर्दर मिडगट जिसको नाम दिया गया है आर्चिट्रॉन, इसमें धीरे धीरे कन्वर्ट होता है जस्ट लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क. ये जो एम्ब्रियो था ये डिस्क में जो कन्वर्ट हुआ है उसका क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है. देखिए, ब्लास्टोसिस्ट ग्रो एब्जॉर्ब ऑफ मोर एंड मोर यूट्राइन मिल्क. ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था धीरे धीरे एनलार्ज जो हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि वो यूट्राइन मिल्क को अपटेक कर रहा था, जो कि एम्ब्रियोनल नोब स्ट्रेच, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनल नोब स्ट्रेच होने लगी, बढ़ने लगी. सेल ऑफ रबर स्टार, जिसकी वजह से ये रिमूव हो गई एंड अंदर एंडोस्पर्म की
फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियोनिक डिस्क जो कि फर्दर डिस्क में कन्वर्ट हो गया, कंटिन्यू विद द ट्रोफोब्लास्ट। देखो ये वाली लेयर इसके साथ कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डिस्क फर्दर अब हेल्प कर रही है, आगे फॉर्मेशन करती है, ठीक है, कैफेलिक एम्ब्रियोनिक एंड किडल रीजन जो कि मेसोडर्म की फॉर्मेशन करेगा इसी नोब के थ्रू एम्ब्रियोनिक डिस्क के थ्रू किसकी फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगी जिसकी मेन लेयर्स 3 लेयर्स फर्दर ये प्रेजेंट है। कंटिन्यू करेंगे।